गावा प्रखंड अंतर्गत मालडा पंचायत भवन और गदर पंचायत भवन में शुक्रवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, गावा प्रखंड विकास पदाधिकारी महेंद्र रविदास, अंचलाधिकारी अविनाश रंजन, कृषि पदाधिकारी प्रदीप राव, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा जिला उपाध्यक्ष महेंद्र वर्मा, जिला सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, जिला सांसद LPS उषा कुमारी, सांसद प्रतिनिधि श्रीराम यादव, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद एवं मालडा पंचायत के मुखिया गायत्री देवी व गदर पंचायत के मुखिया अनीता देवी उपस्थित हुए। सभी अतिथियों ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं गावा प्रखंड विकास पदाधिकारी ने स्थानीय ग्रामीणों व पदाधिकारी को भारत को विकसित देश बनाने को लेकर सहभागिता निभाने को लेकर शपथ दिलाया गया। बता दें, वहीं कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने बोली कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, उनका रथ, यह गारंटी वाली गाड़ी हर एक पंचायत की, हर एक देश की कोने कोने सभी पंचायत में जाएगी। और वह पहले शुरुआत माननीय मोदी जी ने रथ के रूप में किया, विकसित भारत संकल्प रथ की यात्रा के रूप में किया। लोग अब इंतजार करते हैं कि मोदी की गारंटी वाली कब हमारे पंचायत में आएगी। इस रथ की गारंटी से भारत सरकार आपके द्वार तक, प्रधानमंत्री के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047 तक विकसित भारत बनाना है। मोदी जी का सपना विकसित भारत संकल्प 4 आगामों के लिया है। एक महिला जाति, दूसरा किसान, तीसरा युवा जाति, चौथा गरीब जाति। उन्होंने अभी किया कि नमो ऐप डाउनलोड करें और माई भारत पोर्टल डाउन करें, जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री देखें और सुझाव दें। बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में दोनों पंचायत में भारी संख्या में पंचायत के लोगों ने भाग लिया। मौके पर LED वैन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपस्थित लोगों को दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। सरकार के सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी समाज के हर एक नागरिक तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और कई योजनाएं के तहत लोगों को भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। किसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे नौजवान हो या फिर महिला, हर लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई और आज विकसित भारत संकल्प अगर उन्होंने लिया है तो इन्हें 4 आयामों के लिए लिया है। आप लोगों के भरोसे लिया है कि एक युवा जाति, दूसरी महिला जाति, तीसरी गरीब और चौथा किसान, इन चारों को लेकर उन्होंने ये विकसित भारत का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन में सजोया है और देश को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और निरंतर देश के लिए वो काम कर रहे हैं। और आप सबसे भी आग्रह है कि आप सब लोग भी इसमें भी आप देखे होंगे कि नमो ऐप और माई भारत पोर्टल, ये दोनों के माध्यम से जुड़कर जो हमारे युवा है, आप अपना सुझाव दे सकते हैं कि 2047 का भारत कैसा हो, भारत में और क्या काम करने की आवश्यकता है, तो आप अपना सुझाव भी साझा कर सकते हैं। तो आप नमो ऐप डाउनलोड करें, आप माई भारत पोर्टल के माध्यम से अपना सुझाव दें ताकि वो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री जी उसको देखें और आपका जो सुझाव है उस सुझाव को आत्मसात करते हुए देश को आगे बढ़ाने में वो आपके सुझाव को वो अब सब आगे बनाए। तो आज चूंकि बहुत सारी योजना के बारे में और बताए, हम बहुत कुछ न कहते हुए, एक तो विलम्ब भी हुआ इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे। अभी हमारी कई दीदियां भी है कोविड से लेके अभी अगला 5 साल तक मुफ्त में अनाज भी मिलेगा। साथ ही साथ जो अन्नदाता है किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि की भी व्यवस्था उन्होंने की, सीधे उनके खाते में 6,000 रुपया दिया जाता है ताकि खाद बीज उनको आसानी से मिल सके। और इसके साथ ही साथ आयुष्मान भारत के तहत इलाज की भी चिंता मोदी जी ने की कि आप लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया तो ये चिंता उनकी रही कि कैसे हमारे लोगों का, यानी किसान, मजदूर, गरीब, तो उनका कैसे जमीन बचे, हमारी बहनों का जेवर बच सके, घर बंधक रखने से बचे। तो 5 लाख तक का आयुष्मान
भारत योजना के तहत कार्ड के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज यानी सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट कहीं भी आप करा सकते हैं, उसके लिए आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था की। इसके साथ ही साथ उन्होंने जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती दवाइयां भी उपलब्ध करा रहे हैं। 10,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र है तो वहाँ सस्ती दवाइयां उपलब्ध हो रहा है। जो लोग दवाई अगर महीने में 1,000 का दवा किसी का कोई खाते हैं, अगर आप जन औषधि केंद्र से लेंगे तो 200 से 250 रुपये में आपको वो एक महीने का दवा आपको मिल जाएगा। तो ये व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया नल जनधन खाता के माध्यम से।